ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो, तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस, ये पहला कारण। दूसरा कारण मानसून। मानसून ने भारत को, भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर कोई फायदा नहीं पहुंचाया, मानसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, वेस्ट और ईस्ट, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है, उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। पारस ने मानसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टेयरिंग किसके हाथ में है? मानसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मानसून से चलोगे अरब सागर में, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मानसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था, उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मानसून की खोज हुई, वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मिनिमम मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेष कर आती थी, वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का खदान बना दिया और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया।